ओके नमस्कार आदाब सत्या मैं हूं हूँ कमिल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस 25th ऑफ जून 2021 विद मी ओके okay, 25 जून 2021 की खबरों में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं और आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे रही है एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही ठीक है बाकी मैं अभी चेक कर लेता हूं 2021 की खबरों में आप सभी का स्वागत है ओके Perfect, fine, बहुत बढ़िया। चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले मैं आपको आज आरबीआई नहीं करवा पा रहा ठीक है आज आरबीआई की साइट पर नहीं लेके चलूंगा अपडेशन है आरबीआई की वेबसाइट पे, बट आज मैं नहीं लेकर चलूंगा तो मुझे थोड़ा सा जल्दी है और मैं आज जो हमारी मेन करंट अफेयर्स है उससे भी फोकस करेंगे उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ ठीक है और बाकी बची बात जो आरबी के आपको पीडीएफ जो नहीं मिली है या जो भी आपको रिवीजन के लिए आपको इश्यू आ रहा है कि सर आरबी की पीडीएफ दे दीजिए डेफिनेटली मैं आरबी की पीडीएफ दे रहा हूँ बट लास्ट डेज में क्या हुआ था एकदम से पेनल्टी की न्यूज बहुत सारी आई है आपने देखा होगा लास्ट डेज में बहुत सारे बैंक पर एक साथ पेनल्टी लगी कल भी लगी है ठीक है तो मैंने इसलिए आपको आरबीआई की पीडीएफ नहीं दे रहा मैं ने एक क्या किया है मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट तैयार किया ठीक है जिसमें मैंने जितने भी बैंक्स को लेटेस्ट अभी इसी मंथ में पेनल्टी लगी है उन सबको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया है तो इसलिए वो बनाया मैंने तो अभी तक आपको मैंने पीडीएफ नहीं दी आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएगी अंटेल एनलेस अगर आपको रिवीजन फिर भी करनी होती है अगर आप लोग कहते हो कि सर आरबीआई की रिवीजन करनी है तो एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात किया है कि जो मैंने पढ़ाया वो कहीं गुम तो नहीं गया वो आरबी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है तो आप वहां पर भी जाके इन केस मैंने प्रोवाइड नहीं की कोई भी रीजन था एक्स, वाई, या मैंने नहीं की या किसी भी कारणवश ठीक है चाहे जानबूझ के नहीं की हो चाहे इंटेंशनल हो अन हो तो आप वहां से भी जाके तो उस चीज को पढ़ सकते हो आरबी की वेबसाइट पर तो वहां पर अवेलेबल है और ये एक आदत है जो आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप बैंक के एग्जाम को एम कर रहे हो तो बैंक एग्जाम को क्रैक करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए बैंक एग्जाम में आगे सर्वाइव करना भी आपका मकसद होना चाहिए बैंक में जॉब करने के बाद बैंक बैंक में जॉब करने के के बाद आपको इतने बड़े बड़े सर्कुलर इंटरनल पढ़ने पड़ेंगे जो कि आदत अगर अभी से डल जाएगी तो बेटर रहेगा खैर उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बट एक स्टिल हमारे मैं बैंक में हूँ तो डेली बेस पर इतने सर्कुलर्स अपलोड होते हैं हमें पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि हमें जब तक हम उन सर्कुलर्स को पढ़ेंगे नहीं हमारा रूटीन का काम कैसे होगा ठीक है तो रूटीन का काम समझने के लिए हमें सर्कुलर्स को पढ़ना पड़ता है डेली बेसिस में साथ साथ पी डी एफ नहीं मिली है तो आपके लिए वो चीज ऑलरेडी आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है आप वहां से भी तो रिविजन कर सकते हो ओके गॉट इट चलो पच्चीस जून दो में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की राइट एंड टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेगा एट द रेट के पर टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल जरूर मिलेगा ठीक है और मेरा आरबी ग्रेड बी का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है और आपको एक तारीख से दो तारीख से एक मेरा नया कोर्स अन अकेडमी प्लस पे भी देखने को मिलने वाला है बैंकिंग एग्जाम कैटेगरी में जो कि रहेगा कंप्लीट करंट अफेयर्स मैं कवर करने वाला हूँ करंट अफेयर्स में कवर करने वाला हूं मैं उसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस कवर करने वाला हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करने वाला हूं और दी एमसीक्यूज कवर करने वाला हूं तो तीन चीजें मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं अगले मंथ वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा जिसमें रिवीजन कोर्स भी रहेगा आपका जस्ट सॉरी जिसमें आपका रिवीजन कोर्स भी रहेगा वो सब चीजें आपकी उसमें इंक्लूड रहेंगी जो आपको एसबीआई क्लर्क के मेन्स एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है ठीक है

तो गलत वे में मत लीजिएगा आपके अच्छे भले के लिए कुछ चीजें बताता हूं तो उसको पॉजिटिव साइड पे लीजिएगा अब आप इतने बड़े हो चुके हैं मैच्योर हो चुके हैं कि आप इन चीजों को खुद संभाल सकते हैं ठीक है और आपको संभलना भी चाहिए बीटी टी कोटन इन पंजाब हैज इन नेट इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट सो यहाँ पर अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है और वो यहाँ पर आपकी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट की, उन्होंने यहाँ पर पंजाब ने आ, ये कहा कि जो भी उन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट किया था आपका बीटी कोटन सेल्लिटर, बीटी यहाँ पर बीटी की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, दैट इज़ ए बेसिलस थ्रोनगिन जेनेसिस, जो भी इसकी फुल नेम है ये यहाँ पर बीटी का फुल नेम है यहाँ पर और ये यहाँ पर इंडिया में उन्नीस सालों से यहाँ पर लास्ट नाइनटीन ईयर से यहाँ पर ग्रो किया जा रहा है okay, ओके थोड़ा सा पेन इधर उधर आज हो सकता है क्योंकि मैं आज घर पर नहीं हूँ अलग जगह पे हुआ आपको बैग भी अलग दिख रही होगी थोड़ी अंधेरा भी होगा चेहरे पे ठीक है तो मैं बाहर हूँ स्टिल क्लास मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पेन वेन का इधर उधर टेढ़ा मेढा हो सकता है क्योंकि वो अपनी जगह अपनी जगह होती है ना अलग जगह अलग जगह होती है नई सी जगह सेटिंग नहीं आती कई बार तो यहाँ पर बी टी कॉटन इसलिए मैंने आरबी भी, भी नहीं उठा रहा क्योंकि वो फिर क्लास बहुत लंबी इतना टाइम नहीं है मेरे पास 19 ईयर्स यहाँ पर बीटी कॉटन हैज बिन कमर्शियली ग्रोन इन इंडिया पास 19 इयर्स से ग्रो किया जा रहा है बीटी कॉटन बेसिकली एक इस तरह का कॉटन का एक प्रकार है कॉटन जो आपकी होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है और जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन की एक वैरायटी है कॉटन की एक वैरायटी है आपकी जो कि यहां पर प्रोड्यूस की गई बनाई गई स्पेशली एक बनाई गई डिजाइन किया गया इसको ताकि वो यहां पर आपका लड़ सके जो उसको इंसेक्ट विंसेक्ट आपके खराब करते हैं कॉटन को उससे लड़ सके और ये बेसिकली खुद भी एक इंसेक्टिसाइड ही प्रोड्यूस करता है ठीक है सो so, इसके बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है यहां पर देखो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी न्यूज में कुछ खास नहीं था न्यूज में सिंपल और सिंपल यही चीज है कि पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि बीटी कॉटन के जब से उन्होंने स्टार्ट किया तब तो से उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिले है चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो चाहे इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो तो सब कुछ यहां पर आपका उनको मिला है ठीक है तो ये चीज आपकी बीटी टी कोटन से रिलेटेड जो भी पंजाब से रिलेटेड न्यूज आई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहां पर अगर ये न्यूज आई है चर्चा में आई है तो एटलीस्ट आपको बीटी टी कोटन के बारे में पता होना चाहिए बी टी कोटन आखिरकार क्या है बीटी कोटन कोई नया कंसेप्ट नहीं है बहुत पुराना कंसेप्ट है आपने सामने लिखा ही हुआ है कि उन्नीस सालों पुराना यह कंसेप्ट है आपका इनिशिएट किया गया था और पंजाब में इसको दो में लॉन्च किया गया था दो में इसको पंजाब में लॉन्च किया गया था राइट बिफोर द रिलीज इट वॉज अडोटेड बाई सेवेंटी टू परसेंट फार्मर ऑन ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ एरिया में हाउवर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे इश्यूज़ इस पे आए हैं बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, इसको नेगेटिव में भी लिया जाता है बट स्टिल यहां पर आपका इसको Uh, एक पॉजिटिव साइड पर इस बार पंजाब ने लिया और यह डिक्लेयर किया बीटी कोटन आर इंसेक्टिसाइडल टू दी लार्वा ऑफ मोस एंड दटरफ्लाईज बटरफ्लाईज को भी नुकसान पहुंचाते हैं आपके ये बट आर हार्मलेस टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ राइट इन टू अ टू वेंचर जो हुआ था मुंसैतो एंड महक्यो जिन्होंने बीटी कॉटन को यहां पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और 2011 में सबसे ज्यादा जीएम यहाँ पर जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड जीएम का मतलब होता है कॉटन क्रॉप 10.6 मिलियन में ये आपकी ग्रो की गई थी ओके okay. सो so, ये सारी की सारी चीजें आपके बीटी कॉटन के बारे में लिखी हुई है और ये आपको पढ़ लेना एग्जाम में इसमें से आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके okay. सो so, ये आपका अब जो पंजाब ने यहाँ पर कहा है ये जो रिसर्च वर्क किया गया इसको फंड किया गया किसके द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा दैट इज द प्रोजेक्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एक रिपोर्ट का टाइटल था प्रोजेक्ट का टाइटल था और पंजाब के यहाँ पर आ, ये डिपार्टमेंट के द्वारा इसको किया गया ऑफ द इंडियन सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा और इसमें क्या चीजें पाई गई ये सब चीजें पाई गई कि देर हैज बिन रिडक्शन इन द इंसेक्टिसाइड यूज

पहली तरीके का ये है जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पर आ, उगाया जाएगा ये यहां पर में, रुतारी है। हो गया वाला, वाला, की बात करें तो ये सेकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है आफ्टर दी बीटी कॉटन सो बीटी कॉटन से ही मैंने कहा था रिलेटेड है क्योंकि बी टी कॉटन पहला था जेनेटिकली मॉडिफाइड ये आपका दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है यहां पर आपका ये जीएम वेरी इंटरवर्ड हैज कैपेसिटी विद स्टैंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन क्योंकि यहाँ पर गुवाहाटी असम साइड या नॉर्थ ईस्ट साइड आप देख सकते हैं बहुत सारे बारिश कभी होने लग जाती है बहुत अजीब सा वेदर वहां पर अजीब तो नहीं कहेंगे वर्ड गलत यूज कर लिया मैंने सॉरी फॉर दैट मतलब एक अलग तरीके का वहां पर वेदर रहता है जिन वेदर कंडीशन को ये यहाँ पर रबड़ प्लांट जो है वो सहन कर सकता है उसको यहां पर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है सो so, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन गुवाहाटी असम पूछ सकते हैं केरला में कौन सी जगह है रबर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर इसको डेवलप किया गया लोकेशन पुथुपल्ली कोट्टम याद रख लेगा के एन राघवन उस पर्टिकुलर रोबर्ट बोर्ड, बोर्ड चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको प्लांट किया इनका नाम एंड गुवाहाटी के यहाँ पर कहां पर किया गया गुवाहाटी में भी कौन सी लोकेशन थी रबर्ट बोर्ड की सरुतारी रिसर्च फार्म यहाँ पर किया गया राइट ओके नेक्स्ट चलते हैं इंडिया फिजी साइन एमओयू फॉर द देशन इन द एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर एंड फीजी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वाटरवेज एंड एनवायरमेंट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी इन्होंने साइन किया एक एमओयू फॉर द दॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड द फीजी इंडिया एंड फीजी के बीच में यहां पर आपका एक एग्रीमेंट हुआ है और ये किस फील्ड में हुआ है

सो दिस इज द एमओयू एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि दो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के फील्ड में दैट इज फीजी विल बी राइट आंसर फीजी इतना ही आपसे पूछेंगे फीजी हाँ इसमें यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर और फीजी के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वाटरवेज एनवायरमेंट महेंद्र रेड्डी दोनों का आपका नाम है ओके नेक्स्ट चलते ग्रीन टैरिफ पॉलिसी लॉन्च काफी बड़ी न्यूज आपको दिखाई दे रही होगी बट एक न्यूज का एक सार सा, सिंपल सा बता देता हूं एक नई ग्रीन टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की गई आपकी किसके द्वारा लॉन्च नहीं की बेसिकली उस पर वर्क चल रहा है अभी अनाउंसमेंट एक आया है एक आपका देखने को मिलने वाली न्यूज वो आई है यूनियन गवर्नमेंट ग्रीन टैरिफ पॉलिसी पे काम कर रहा है जिस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं यानी कि जिनको हम डिस्कॉम्स कहते हैं वो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी दे विल बी सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली है यहाँ पर

कुछ खास नहीं है ये छोड़ दीजिए बाकी आपका ये एक टारगेट दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है इंडिया फिलहाल आपका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोग्राम चला रहा है जिसमें 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इंडिया का एक टारगेट है जिसमें 100 गीगावाट आपका सोलर पावर का टारगेट है 2022 तक ये एक आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके 2022 तक 100 गीगावाट का किसका टारगेट है सोलर पावर का और 175 ओवरऑल जिसमें सोलर पावर इंक्लूड है दैट दी रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी से आपका रिन्यूएबल सोर्सेज से आपका <coughs> जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी ठीक है ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ये आपकी और ये वाली लाइन बाकी आप जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा कुछ बाकी में खास नहीं है जस्ट आपको दे रखे ताकि आपको ओवरऑल पूरी न्यूज समझ में आ जाए नेक्स्ट चलते हैं हम जाइकोव डी दुनिया का पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन डीएनए बेस्ड वैक्सीन यानी कि ये डीएनए पे इंपैक्ट करेगा ये आपकी इंडिया की जो जाइडस कैडिला है ये यहाँ पर अभी अप्रोच नहीं किया है अप्रूवल नहीं मिला है जस्ट ये आपकी डी सी जी आई ओके जहां पर आपका जो कि अप्रूवल देती है आपकी यहां पर मेडिसिन का उसके पास यहां पर अप्रोच करने की सोच रहा है और कोविड नाइनटीन की उन्होंने वैक्सीन जो जाइकोव डी है ये यहाँ पर बनाई है ओके डी जो है बेसिकली ये आपकी नॉर्मल वैक्सीन की तरह नहीं है ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह आपका काम नहीं करेगी नॉर्मल वैक्सीन की तरह इंजेक्ट नहीं की जाएगी कि आपका भी जो सिरिंज के थ्रू कोविशील्ड को वैक्सीन वगैरह वगैरह लगवा रहे हो आपके स्पुटनिक वगैरह बट यहां पर ये जो है ये एक इंजेक्टर की तरह यूज की जाएगी इंजेक्टर से ही यहाँ पर यूज की जाएगा जस्ट एक आई थिंक जेट इंजेक्टर उसी को कहते होंगे जिससे इंसुलिन uh, दी जाती है आई होप मुझे एक्जैक्टली exactly पता नहीं है जेट इंजेक्टर किस तरह का होता है आई आई होप कि शायद वैसी ही चीज़ है जिससे इंसुलिन दिया जाता है जिससे एक हल्का सा एक सिरिंज पिन से निकलती है उसमें से और पिन को कहीं पर भी जहां पर स्किन आपकी थोड़ी सी मोटी हो वहां पर उसको लगा दिया जाता है इंसुलिन को पेट में लगाते हैं जिनको शुगर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और वो कोई इंजेक्शन नहीं होता जस्ट एक सीरेंज होती है और उससे डायरेक्ट आपका जो भी उसके अंदर इंसुलिन होता है वो स्किन के अंदर एंटर होता है तो ये भी आपका ऐसा कुछ ही है यहां पर देखो ये भी वही चीज लिखे दिस अलाउज वैक्सीन टू बी इंजेक्टेड इन टू पीपल स्किन अंडर हाई प्रेशर ओके सो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर में वो अंदर जाता है स्किन में जाता है और फिर ये डायरेक्टली आपके डीएनए में जाता है और ये आपका पहली बार ऐसा कुछ होगा कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन दुनिया की पहली दैट विल बी कोल्ड एज दी जाइकोव डी किसके द्वारा जाइडस कैडिला के द्वारा ये आपकी बनाई जा रही है ओके okay, चलो आगे चलते हैं

और वहीं अगर मैं वहीं अगर मैं इंडिया की नेशनल एवरेज की बात करूं तो वो 382 है 382 है ठीक है और इंडिया में सबसे कम लोग डेंसिटी कहा है अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद मिजोरम में है और फिर इंडिया में 382 है वहीं पर ही मिजोरम में सिर्फ बावन लोग रहते हैं और ये यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि जो लोग आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हिज टू एनकरेज पॉपुलेशन ग्रोथो कम्युनिटी करने की बात कर रहे हैं वहीं पर मिजोरम में यह कहा गया है कि आपको हम कैश रिवॉर्ड देंगे फॉर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन द मिजोरम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कौन से मिनिस्टर है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है रोबर्ट रोमैया ओके, सो okay, so ये है आपका वहां पर किया गया है अनाउंस, ओके, okay. की बात नहीं है, ठीक है कुछ ना कुछ इश्यू होगा तभी गया ना वहां पे, दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम टू तो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू तो फैमिलीज ऑफ तो कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन से मरने वाली आ, फैमिलीज़ को यहाँ पर पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये 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 मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना स्कीम स्कीम लॉन्च लॉन्च की की गई है। okay, so की गई है, है ओके, सो आपकी यहाँ पर आपका एंड विल ऑफर मंथली पचास हजार रुपये दिया जाएगा इफ अ में पचास हजार रुपये दिया जाएगा अगर वो एक बार कोई भी मेंबर मर गया गुजर गया डेथ हो गई और उसके बाद जो भी अर्निंग मेंबर अगर गुजरा है उनका जो कमा रहा था उन फैमिली को ढाई हजार रुपये आपका

अंडर प्रोविजन ऑफ दइल जस्टिस एक्ट बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अकाउंट इन ऑफ़ माइनर चाइल्ड एंड फोस्टर पेरेंट और गार्जियन जो, जो कि उनके डिक्लेयर किए गए हैं आपके गार्जियन वार्जियन तो उनके और उनके बच्चे के नाम एक ज्वाइंट अकाउंट होगा जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा राइट right. नेक्स्ट चलते हैं हम गुजरात ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम गुजरात ने

नाइट्रोजन फोस्फेट एंड दिफ्टी के जी ऑफ दियम सल्फेट विल बी प्रोवाइडेड सो स्कीम के तहत क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये प्रोवाइड किया जाएगा गुजरात ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को वन बंधु फार्मर्स ये क्या चीज प्रोवाइड की जाएगी ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या दिया जाएगा इसमें एंड इसके अलावा सीड्स ऑफ लाइक दी क्रॉप्स लाइक दी मेज दीटरमेलन करेला दूधी टोमेटो मिलट अलग अलग इनको चीजें दी जाएंगी और ये उनको मदद करेगा एक प्रकार से फाइनेंशियल मदद नहीं दी बट इन उनको ये सब चीजें प्रोवाइड की ताकि वो इजिली अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ उगा सके राइट ओके सो ये चीज है आपका गुजरात ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को

आपका पहले दिया था इंडियन इकोनॉमी अगर एक्चुअल में बात करूँ तो सात पॉइंट तीन परसेंट यहाँ पर उसने ग्रोथ देखी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग फर्स्ट वेव ऑफ कोविड अगेंस्ट ग्रोथ रेट ऑफ फोर परसेंट इन दी टू थाउजेंड नाइन ये माइनस आएगा ये से हो गया ओके okay. सो so, पर आपका ये आया मूडीज इंडिया प्रोजेक्शन ये दिया है और अर्लियर ये दिया था चेंज करके अब इतना कर दिया है और 2022 में सात प्रतिशत कर दिया है. ठीक है नेक्स्ट चलते हैं दुनिया का सबसे दानदाता दानदाता की एक लिस्ट आई है दैट इज दानदाता ऑफ द लास्ट सेंचुरी सो टाटा ग्रुप फाउंडर जमशेद जी टाटा जमशेद जी टाटा नाम सुना होगा आप सबने बहुत फेमस पर्सनैलिटी आपके टाटा ग्रुप के जिन्होंने फाउंड फाउंड किया था टाटा ग्रुप को यहाँ पर एंड इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है किसमें यहाँ पर टॉप किया है यहाँ पर आपका एडल गिव ह्यूरन फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी ओके हैज़ टॉप गिव ह्यूरन फिलंथ्रोफिस्ट ऑफ सेंचुरी

ओके, okay. so, पर इन्होंने टाटा ने यहाँ पर 102 बिलियन अब तक डोनेट किए थे मतलब जब तक डोनेट किए थे इन्होंने और इसी के साथ वो यहाँ पर इस लिस्ट में टॉप किया है इस लिस्ट में उन्होंने बड़े बड़े बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स इन सबको यहाँ पर पीछे छोड़ा एंड थे जो कि ट्वेल्थ नंबर पर रहे ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर दान किया उन्होंने पैसा एमेजोन सीओ जेफ बेजोजी एक्स वाई मैकेोनेटेड एट पॉइंट फाइव बिलियन इन्होंने भी यहाँ पर डोनेट किया है ओके आगे भी है इसी न्यूज में कंटिन्यूटी है आगे यहाँ पर इस पूरी पूरी न्यूज में अब इस स्लाइड पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि यहाँ पर आपका बाकी लोगों ने कितना कितना किया लाइक दी उसके बाद जिनका नंबर आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स यहाँ पर 74.6 बिलियन वॉरेन बफेट 37.4 बिलियन जॉर्ज सोरोस 34.8 बिलियन जो डी रॉकफेलर 26.8 बिलियन मेजॉरिटी ऑफ 38 पीपल इन द लिस्ट आर फ्रॉम यूएसए जिसमें यूके में पांच हैं चाइना से तीन हैं टोटल 37 डोनर्स आर डेड व्हाइल ओनली 13 ऑफ देम आर अलाइव ओके सो यहां पर आपका 13 यहां पर आपके जिंदा हैं फिलहाल बाकी आपके यहां पर गुजर चुके हैं टोटल डोनेशन बाय द 50 गिवर्स टोटल यहां पर टॉप ये जमशेद जी के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है पढ़ लेना पूछा जा सकता है आप पूरी की पूरी इनके बारे में क्या क्या था इनको क्या कहा जाता था कब ये स्टार्ट हुए थे कब ये फाउंड किया था इन्होंने सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है कब इनकी मृत्यु हुई थी राइट ओके

मिग ट्वेंटी नाइन के एयरक्राफ्ट है आपका ये भी आपका पार्टिसिपेट करेंगे यूएस नेवी सी एस जी रोनाल्ड रेगन ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट थ्रू इंडियन ओशियन रीजन ओके और ये क्या एक्सरसाइज साउथ ऑफ तिरुवंतपुरम ऑन दी वेस्टर्न सी वो तिरुवंतपुर आपका केरला में ओके सो यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा आई एफ नेवी टू कंडक्ट एक्सरसाइज विद दू यूएस कैरियर ग्रुप इंडियन एयरफोर्स और नेवी यूएस के कैरियर ग्रुप के साथ यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं ओके नेक्स्ट चलते हैं हम जान है तो जहान है कैंपेन ओके सो जान है तो जहान है कैंपेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है यहाँ पर आ, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो रूरल एरियाज हैं रिमोट एरियाज हैं वहां पर वैक्सीनेशन को आपका यहाँ पर प्रमोट करने के लिए किया गया और इसकी लॉन्चिंग कहाँ पर हुई लॉन्चिंग हुई प्राइमरी हेल्थ सेंटर चमरुआ इन रामपुर उत्तर प्रदेश ये लोकेशन है यहाँ से इसकी यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है जान है तो जहान है कैंपेन की एस बी आई जनरल इंश्योरेंस एंड दी आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक दोनों ने बैंक का इंश्योरेंस किया है बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप यानी कि एस बी आई जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा आईडी एफ सी फर्स्ट बैंक सेलिंग इट्स स्नो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और ये दोनों के आपके स्टेटिक फैक्ट नीचे दे रखे हैं नवी जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया मंथली ईएमआई बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर आपका नवी जनरल नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस एन ईएमआई सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस इन केरला रला में हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी है यानी कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको वहां पर एक कंपनी जो है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया वो आपकी कॉस्ट बियर करती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करती है आपकी okay. तो अगर वो आपको लेना है तो उसके लिए प्रीमियम जैसे देना पड़ता है नॉर्मली और अब उस प्रीमियम को ई पे भी दे सकते हैं यानी कि एवरी मंथ भी आप दे सकते हैं तो ये चीज आपकी की गई है यहां पर कि आपको एनुअली प्रीमियम नहीं पे करना आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है तो आप उसको यहां पर मंथली भी पे, पे कर सकते हो दैट इज दो पर मंथ आप

नवी हेल्थ मोबाइल ओके नवी हेल्थ मोबाइल हैव भी लॉन्च की दिस इज समथिंग मुंबई रामचंद्र पंडित एमडी एंड सीईओ है ओके नेक्स्ट चलते हैं हम अजय पुरी रीइलेक्ट किया गया कोवाई चेयरपर्सन फॉर 2122 सो कोवाई सैल्यूरन ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज रीइलेक्टेड अजय पुरी

वाइस uh, चेयरपर्सन चुना गया है प्रमोद कुमार मित्तल जी को ठीक है दोनों के नाम अच्छे से याद रख लेगा अजयपुरी एंड प्रमोद कुमार मित्तल नेक्स्ट है ब्रिटिश लॉयर करीम खान इनको उन्होंने शपथ ली एज दी आईसीसी चीफ प्रोजिक्यूटर आईसीसी यहां पर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ओके सो ये क्रिकेट वाले काउंसिल नहीं है आईसीसी ओके सो दिस इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसमें यहाँ पर लॉयर करीम खान जी को यहाँ पर करीम खान जो है उनको यहाँ पर चुना गया है न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ही इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन इयर्स के लिए चुना गया है इस सक्सीड उन्होंने जगह ली फतुआ बंसोदा ऑफ गैम्बिया की ओके okay. इनके उन्होंने, इनकी जगह ली यहाँ पर ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं करीम खान जी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं कंट्री पूछी जा सकती है कि किसकी जगह ली वो भी जसप्रीत बुमराह से आई जसप्रीत बुमराह यहाँ पर वन प्लस व्यूरेबल्स वन प्लस वॉच हुई बैंड हुए उसके यहाँ पर ब्रांड एम्बेडर बनाया गया किसको जसप्रीत बुमराह को इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह बीन अपॉइंटेड एज दी खिलाड़ी है फॉर्मर इंडियन वुमेन वॉलीबॉल कैप्टन निर्मल कौर निर्मल कौर जी आपकी खैर ये न्यूज पहले की है जब यहाँ पर मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया था एंड उनकी ही वाइफ है आपकी निर्मल कौर जी उनका हाल उनका भी निधन हुआ मोहाली में ही एंड ये रह चुके हैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वीमेन इन पंजाब गवर्नमेंट और जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स चंडीगढ़ में भी काम कर चुके हैं एंड मिल्खा सिंह जी ने यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में एक चैप्टर इन दैप्टर द ज्वेल्स इन माय क्राउन इन हिज ऑटोबायोग्राफी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो कि यहाँ पर 2013 में रिलीज की गई थी उसके में एक चैप्टर था स्पेसिफिकली और वो उनकी पत्नी के ऊपर ही ये चैप्टर था निर्मल कौर ये है मिल्खा सिंह जी की पत्नी और ये आपके पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है ठीक है ओके चल ओके मेरे दोस्तों सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूँ पसंद आया होगा आज रात एम क्लास नहीं है ठीक है एम क्लास कल करेंगे हम और बाकी कल करेंगे हम बाकी क्लासेस जो भी रहेंगी एम क्लास भी कल करेंगे मिलते हैं फिर कल आज अब कोई भी क्लास नहीं रहेगी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड संडे को आपका वीकली टेस्ट है उसके लिए तैयार हो जाएगा अन अकेडमी प्लस पे एक, uh, मैंने सेशन शेड्यूल कर रखा है टाइमिंग वाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दूंगा लाइक like कर देगा सेशन को पसंद आए और टेक केयर लव यू यू ऑल बाय बाय सी यूलो